और कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं टिकटॉक से राजनीति में आ गई, कि मैं टिकटॉक स्टार रही तो राजनीति में मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की। हम सभी देख रहे हैं कि सोनाली फोगाट के निधन को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से उनकी संपत्ति, उनके राजनीतिक करियर को लेकर साजिश की गई बताया जा रहा है, लगातार उनका परिवार ये आरोप लगा रहा है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ जो साजिश रची गई, ये साजिश उनकी संपत्ति को लेकर रची गई। कई लोगों की बुरी नजर थी सोनाली फोगाट की करोड़ों की संपत्ति पर, जिसे लेकर जिसकी लालच में सोनाली फोगाट के खिलाफ ये साजिश रची गई। लेकिन आपको बता दें कि भले ही सोनाली फोगाट के पास करोड़ों की संपत्ति थी, फेम था, नाम था, पैसा था, लेकिन कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के मन में एक ऐसा दर्द था जिसे वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सोनाली फोगाट अपने इस दर्द को रोक नहीं पाई, संभाल नहीं पाई और आखिरकार उन्होंने अपने इस दर्द का सामना किया और अपने फैंस को बताया कि इस चकाचौंध भरी चांदनी के बीच किस तरह से वीरान है उनकी जिंदगी। खुद उन्होंने बयां किया अपनी जिंदगी का वो दुख भरा सच। क्या कुछ कहा सोनाली फोगाट ने अपने आखिरी वक्त से कुछ वक्त पहले, आप भी जरा सुनिए। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और बहुत छोटी उम्र में 17 साल में मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद जो परिवार मुझे मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। जब मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ना चाहती हूँ और एक्टिंग लाइन में भी जाना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि कुछ सालों तक घर से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हरियाणा में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं जाने का अवसर देते, लेकिन मेरे कुछ साल तक मनाने के बाद मुझे वो अवसर मिला और मैं पिछले 12 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में नेशनल स्तर पे मैंने कई पदों पे रह के पार्टी के लिए काम किया है, जिम्मेदारियां निभाई हैं और उसी के चलते मैं आज हरियाणा में वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा। और मैंने हरियाणा की हॉट सीट जो कि सीएम जहाँ से 3 बार रहे भजन लाल जी, उनके बेटे के सामने 2019 में अभी चुनाव लड़ा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा 35,000 की संख्या में वोट प्राप्त किए। और हरियाणा में की राजनीति में गूगल पे सर्च की जाने वाली सबसे बड़ी पर्सनैलिटी पॉलिटिशियन गूगल पे मैं 2019 पे रही हूँ। और उसके बाद जैसे मुझे बिग बॉस से मुझे निमंत्रण आया, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं आई भी बड़ी खुशी के साथ आई। तो पीछे का जो मेरा सफर था, कुछ राजनीति के साथ साथ मैंने एक्टिंग लाइन में भी काम किया। जैसे मैं दूरदर्शन हरियाणा में 3 साल के लिए एंकर रही एक हिंदी कार्यक्रम की, और मैंने 3 फिल्में भी की हैं, जिसमें एक फिल्म जिमी शेरगिल के ऑपोजिट मैंने काम किया, दूसरी में मैंने रवि किशन के, और एक हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में सतीश कौशिक जी के डायरेक्शन में मैंने काम किया, और जी टीवी के 2 शो भी किए मैंने, अम्मा और टशनेश में थोड़ा काम किया। तो ये सब चीजें साथ साथ मेरा एक्टिंग करियर भी चल रहा था और राजनीति भी चल रही थी, वो आज भी कंटिन्यू है, दोनों चीजें साथ चलती हैं। और कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं टिकटॉक से राजनीति में आ गई, कि मैं टिकटॉक स्टार रही तो राजनीति में मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा था, जो मैं मेरे मन की जो इच्छाएं थी, गाना गाने का शौक रखती हूँ, डांस करने का शौक रखती हूँ, वो टिकटॉक के माध्यम से मैंने अपने आप को वहाँ पे दिखाने के लिए या अपने आप को एंजॉय करने के लिए वो सब चीजें की। तो देखा आपने, वो सोनाली जिनके निधन के बाद आज परिवार उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, वो सोनाली जब तक इस दुनिया में थी कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के लिए भी जंग लड़ रही थी और अपनी इस जंग में कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट हार गई।
और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन परिवार लगातार पूरी कोशिश कर रहा है कि सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल पाए। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।